कौन है राधा रानी? हरेर अर्धतनुम राधा, अरे हरि की अर्धांगनी राधा। और हरि कौन? राधिका अर्धतनु हरि। राधा रानी के पौरुष रूप है कृष्ण। अब चलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में, राधा रानी को पूछा गया ये कृष्ण कौन है? अब राधा रानी कहती है, मेरे पीछे पीछे बोले, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा रानी कहते हैं कृष्ण कौन है? मम एव पौरुषम रूपम, अरे मेरे ही पौरुष रूप है, पुरुष विकार है। और कौन है ये कृष्ण? गोपिका मनमोहनम, गोपिकाओं का जो मन मोहित करने वाले मन मोहन है, ये मदन मोहन मोहिनी के ही पुरुष अवतार हैं। अभिन्न रूप, कोई भी भेद नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो आगे जाता है, राधया माधवे नैव, माधवे नैव राधिका। बिना राधा के माधव नहीं, बिना माधव के राधा नहीं, अभिन्न स्वरूप। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी यही कहते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। कविराज गोस्वामी 99 के आयु में थर थर कर लिखते हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, कलिकाल के बद्धावस्था में नहीं है। कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, अरे कृष्ण यदि पूर्णमान है, शक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो शक्तिमान के पीछे ऊर्जा शक्ति राधा है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं। भोलेपन के वजह से कई बार प्रश्न उठा जाता है, इन दोनों में विवाह क्यों नहीं हुआ? विवाह तो दो आत्मा में होता है, एक आत्मा अपने साथ कैसे विवाह करे? हाथ मिलाए तो सामने व्यक्ति से हाथ मिला, अपना हाथ कब तक मिलाएंगे? राधा रानी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी है, इनमें बिल्कुल अभिन्न भाव है, कुछ भी भेद नहीं। भगवान कृष्ण यदि सूर्य है तो सूर्य प्रकाश राधा रानी है, यदि भगवान कृष्ण चंद्र है तो चंद्रिका चंद्रमा के किरण शीतल किरण राधा ऊर्जा शक्ति है। बिना राधा रानी के कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, जिस प्रकार बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण आगे जाता है, राधा इस शब्द का तोड़ा तोड़ दिया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। राधा ये दो अक्षर के शब्द का क्या अर्थ है? पीछे दोहराएं, राध्यते यया सा राधा, राधैव आराध्यते मया। शास्त्र में वर्णन है कौन है राधा। कृष्ण कह रहे हैं राध्यते यया सा राधा, अरे जिनके द्वारा मेरी सेवा निस्वार्थ अमला भक्ति उत्तमा भक्ति प्रेमा भक्ति निस्वार्थ दिव्य उन्माद की अवस्था में की जाती है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण प्रत्येक स्थान बिना टूटे, जो ऐसी मेरी तीव्र भक्ति करे वही है राधा। अब बात तो आधी हुई, भगवान खत्म नहीं किए, दूसरे भाग में कहते हैं एक मिनट, और एक अर्थ है राधा का, राधैव आराध्यते मया। जिनकी निस्वार्थ अमला उत्तमा प्रेमा भक्ति हर क्षण हर कण हर स्थान निस्वार्थ भाव से बिना टूटे मैं करूं वो है राधा। ऐसी भक्ति जो मेरी करे वो राधा, जिनकी भक्ति मैं करूं वो राधा। भगवान दो अर्थ बताते हैं राध धातु का ब्रह्म वैवर्त पुराण। ऋग्वेद में तो राधा शब्द कई बार आया है, राधह राधसा राधसे सब आया। कई लोग पूछते हैं राधा शब्द लेकिन भागवत में तो पाया नहीं जाता, आप गौड़ीय वैष्णव राधा राधा करते हैं पर राधा जो मुख्य आपका ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत है इसमें तो राधा रानी का नाम नहीं आया। अरे आया है,
कितने बार? अनंत बार छिप छिप कर सुखदेव गोस्वामी राधा नाम फेंके हैं। थोड़ा सुन लेते हैं, चलिए। दशम स्कंद तो दूर की बात, सुखदेव गोस्वामी रुक नहीं पाए। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां मंत्र पढ़ लीजिए। राधसा शब्द आया है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन दूसरे स्कंद में कर रहे हैं, पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। श्री सुख है ना, किनके सुख है? राधा रानी के सुख। तो सुख तोता तो वही बोलेगा जो सिखाए जाए। मालिक सरकार कृष्ण सिखाए हैं राधा राधा। अब सुख के मुख से सुखम उखाद अमृत द्रव संयुतम, फिर दूसरे स्कंद में कुछ और वर्णन में निकल गया राधसा, पर ऐसे छिपाया गया। भागवत सुनने वाला व्यक्ति सोचे हाँ किसी और का वर्णन, कुछ और वर्णन चल रहा है।